से 16 वर्ष पहले देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हो गई थी। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियां और मजबूत हो रही थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में असल कमाल अमेरिकी कंपनियां कर रही थी। 90 के दशक में शुरू हुई गूगल कंपनी उनमें सबसे आगे थी। उसी दौरान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत की। उसी साल ट्विटर नाम की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट भी वजूद में आई, जो आज सोशल मीडिया का सबसे शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बन गया है। और अब हाल ही में दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए सीईओ का ऐलान हुआ, जिनका नाम है पराग अग्रवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकृति छाबड़ा। आज हम बात करेंगे भारतीय मूल के रहने वाले ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल की, जो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी सफलता के झंडे कुछ इस तरह से गाड़े हैं कि पूरे विश्व में इनकी चर्चा हो रही है। पराग का संबंध ख्वाजा की नगरी अजमेर से है। पराग का जन्म 21 मई 1984 को अजमेर शहर के सरकारी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हुआ था। उस समय पराग के पिता राम गोपाल अग्रवाल मुंबई में कार्यरत थे। उनके दादा दादी अजमेर के धान मंडी क्षेत्र में किराए के मकान पर रहते थे। उनकी माँ शशि अग्रवाल भी मुंबई की इंजीनियरिंग कॉलेज में बतौर प्रोफेसर रही हैं। पराग ने IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस में BTech की है। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में PhD पूरी की। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अजमेर से जुड़ा ये बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का बॉस बनेगा। अजमेर के लिए, अग्रवाल समाज के लिए तो गौरव की बात है ही, पूरे अजमेर के लिए और भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है कि भारत में पढ़ा लिखा, अजमेर में जन्मा एक बच्चा आज जो सोशल मीडिया का सबसे बेहतरीन अकाउंट है ट्विटर अकाउंट, उसके CEO जैसे महत्वपूर्ण पद पर उसको नियुक्त किया गया है। और उनकी जैसे ही नियुक्ति की खबर मिली, न सिर्फ अग्रवाल समाज में बल्कि अजमेर के तमाम लोगों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ उठी है। आपको बता दें, राजस्थान से जुड़े होने के कारण पराग को राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड भी बहुत पसंद है। पराग जिस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हुए हैं, उनमें सबसे पहले भारतीय मूल के कई लोग शामिल हो चुके हैं। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, IBM के अरविंद कृष्ण और Adobe के शांतनु नारायण, ये सारे ही टेक्नोलॉजी भविष्य को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। पराग ने ट्विटर 2011 में ज्वाइन किया था और CEO बनने से पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। वे जैक डॉर्सी की जगह पर CEO बने हैं, जो कंपनी के सह संस्थापक भी हैं। डॉर्सी ने ट्विटर पर भी पराग की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, कंपनी की तरक्की के लिए जो भी बड़े फैसले लिए उनमें सबके पीछे पराग का भी रोल है। वह दिल और रूह से अपना काम करते हैं और मैं रोज़ ही उनसे सीखता हूँ। एक CEO के रूप में मुझे उन पर पूरा भरोसा है। कंपनी में पराग का सफ़र कम दिलचस्प नहीं रहा। पराग अग्रवाल ने साल 2011 में ट्विटर में शुरुआत की थी। जब वह कंपनी में शामिल हुए थे, तब ट्विटर में कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 1000 हुआ करती थी। साल 2018 में पराग चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर बनाए गए। ट्विटर में आर्टिकलशिप इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को लेकर हो रही पहल को भी लीड किया करते थे। उन्होंने अब नए रोल के लिए अपने लिए बड़े मुकाम तय किए हैं। उनके लक्ष्य काफ़ी बोल्ड हैं। पराग का लक्ष्य है कि ट्विटर कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स और दुनिया के लिए सबसे अच्छा बन पाए। पराग के सामने वाकई अब बड़ी चुनौतियां हैं। इसी साल कंपनी ने अपनी आमदनी डबल करने के लिए योजनाओं का ऐलान किया था। IIT मुंबई के स्टूडेंट को नई जिम्मेदारियां ऐसे वक्त में मिली हैं जब डॉर्सी पर खराब परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी दबाव था। पिछले साल ट्विटर में निवेश कर चुके हेज फंड इलियट मैनेजमेंट ने डॉर्सी को CEO पद पर हटाने के लिए अभियान चलाया था, और अब जब उन्हें पद से हटाने का ऐलान हुआ तो अमेरिकी शेयर होल्डर बाजार में कंपनी का शेयर 11% पे उछल गया। अब पराग के CEO बनने के बाद निवेशकों को पराग पर पूरा भरोसा है। पूरे भारत का नाम तो पराग ने रोशन किया ही, इसके साथ ही अब पूरी दुनिया को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। पराग ने IIT कैंपसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आगे चलकर ये स्टूडेंट्स भी दुनिया में दिग्गज कंपनी का बॉस ज़रूर बन सकते हैं। इसके साथ ही पराग ने साबित कर दिया है कि लाइफ में कामयाब होना है तो अपने गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, तब तक आप उसे हासिल नहीं कर पाओगे। इसी के साथ ही आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।